तो हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम बेसिक समझेंगे आज एक्चुअली व्हाट इज़ पब्लिक एंड हाउ इट इज़ यूज इन ए क्लास। पब्लिक आइडेंटिफायर क्या है और क्लास में कैसे यूज होता है। तो हम एक क्लास बनाएंगे, यहाँ पे क्लास का नाम रखेंगे। सपोज वी हैव कोर्स थर्ड कोर्स है हमारा, इसमें हम क्लास क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास है कीवर्ड और ये हमारे पास कोर्स थर्ड जो है, ये हमारे पास क्लास का नाम हुआ। ठीक है, तो हम इसमें एक कुछ डेटा मेंबर्स ऐड करेंगे। सपोज इंट और रोल नंबर, वी कैन हैव कैर नेम, वी कैन हैव सपोज सब्जेक्ट, सम सब्जेक्ट कोड, सो सपोज सब्जेक्ट वन एंड इंट सब्जेक्ट टू। सपोज दिस आर सम ऑफ द अवर डेटा मेंबर जो है, तो इनको हमें यूज करना है। एंड वी विल यूज सम पब्लिक मेथड्स हियर। विल यूज अ मेथड कॉल्ड एज सेट डिटेल्स, विच विल एक्ट एज अ सेटर। तो ये सेटर का काम करेंगे, विल सेट द डेटा। ये हमारे लिए सेट डेटा करेंगे। ठीक, फिलहाल के लिए हम कुछ सेट नहीं करने वाले हैं। सपोज विल डू दिस थिंग, रोल नंबर इज कॉल्ड सपोज 1901, इट इज रोल नंबर। We'll do another thing like subject one is called. Okay, in our set details function, actually we are setting our data. We are setting some details of this entry. We'll do this thing that first of all we'll set some predefined data. हम पहले ही से ही कोई डेटा, सपोज यहाँ पर एक नेम हमें करना है, तो हम स्ट्रिंग कॉपी करके यूज़ करके, स्ट्रिंग कॉपी यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे हेडर फाइल एक यूज़ की है, इंक्लूड सी स्ट्रिंग। तो ये यहाँ पे ज़रूरी है। तो मैं इस नेम में चाहूँगा फ़िलहाल माई नेम आ जाए। ठीक है, तो बाकी हमारे पास है वो है सब्जेक्ट वन इज कॉल्ड सपोज, उसका कोड है 3001 एंड वी हैव सब्जेक्ट टू, उसका कोड है 3002। तो फिलहाल के लिए जब एक इस फंक्शन को कॉल होगी, इसको फंक्शन को कॉल होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो बेसिक जो है मेंबर्स है, तो उनकी डिटेल्स आ जाएगी, रोल नंबर आ जाएगा, स्ट्रिंग नेम में हमारा माई नेम आ जाएगा। वी कैन एक्चुअली गेट इट फ्रॉम द यूज़र एज वेल, हम एक सीन करके यूज़र से भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। तो इसके बाद हम इसमें जो मॉडिफिकेशन करेंगे उसमें देखेंगे, देन सब्जेक्ट कोड एंड दिस। सो विल देन यूज आवर अनदर फंक्शन वाइड शो फंक्शन, जो एज गेटर हमें काम करेंगे, गेट द वैल्यूज। इसको हम गेटर भी बोलते हैं और इसको हम सेटर बोलते हैं और इसको हम गेटर बोलते हैं। ठीक है, तो हम सेट और गेट मोस्टली नेम रखते हैं, तो कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शो रखा है, तो मोस्टली इसको सेट और गेट नाम रखते हैं। तो विल डू इट, विल एक्चुअली डू दिस थिंग, हम रोल नंबर, उसके बाद थोड़ी सी गैप देंगे, एक टैब ऐड करेंगे और नेम एंड एक टैब फिर से ऐड करेंगे और एक सब्जेक्ट वन एंड फिर से एक टैब ऐड करके हम सब्जेक्ट टू को दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये जो हमारा शो फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, बस हमारी शो डिटेल्स दिखा रहा है, हमारी जो ऑप्शंस है, हमने जो डिटेल्स दी है सेट डिटेल्स में, उनको दिखा रहा है। ठीक है, तो हियर इन माई मेन फंक्शन आई हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड
समझो मैंने क्लास बनाया है, जो थर्ड सम लिखना है, ठीक है, क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम जो भी रखना है, ऑब्जेक्ट मैंने फिलहाल इसका टेस्ट नाम रखा है। तो टेस्ट से मैंने दो फंक्शंस को कॉल किया है, सेट डिटेल्स और शो को। तो सेट डिटेल्स इन डिटेल्स उसमें ऐड करेंगे और शो हमें दिखाएगा। तो जो है हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे, सब्जेक्ट टू इज एक्चुअली हियर, सो आई विल गेट दिस डिटेल दैट 19001 जो मैंने यहाँ पे डिटेल रखी थी, एंड देन माय नेम, मैंने अपना नाम माय नेम रखा था, सब्जेक्ट कोड वन एंड सब्जेक्ट कोड टू, ठीक है। तो ये तो हुआ ऐसे। अब अगर इन केस मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं यूज़र से ये डिटेल जो है मैं यूज़र से ले लूँ, तो आई कैन सिंपली डू हियर थिंग्स लाइक दिस। मैं एक मैसेज दूंगा, सी आउट स्लैश टी इंटर नेम इंटर रोल नंबर ठीक है, तो ये सी इन होगा फिर। तो हम अब ये जो डेट डिटेल्स है यूजर से ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी को भी हटाएंगे हम, मोस्टली इसको कॉपी करेंगे जल्दी करने के लिए। तो यूज हियर सी आउट इंटर नेम एंड वी विल सी इन दिस नेम, फिलहाल के लिए हम ये दो ही लेंगे। तो शो जस्ट दीज टू थिंग्स एंड तो ये दो चीज़ें फिलहाल हम दिखाएंगे, हम सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, फिलहाल के लिए हम इसको छोटा करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जो ये सेट डिटेल्स को कॉल होगी, जो ही एक मैंने एक वेर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाई हुई, जो ही इसको सेट डिटेल्स को कॉल करता है, यानी मैं इसको कॉल करता हूँ, तो ये मुझसे मांगेगा ये डिटेल जो मैं इसको दूंगा, और फिर बाद में शो को जब कॉल करेगा तो मुझसे अब ये डिटेल शो करेगा, ठीक है। तो मैं शो करता हूँ इसको एक्सिक्यूट कर, तो इंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर इज सपोज 1001, इंटर नेम माय नेम, ठीक है। तो इसने दिखाया रोल नंबर 1001 एंड माय नेम, ठीक है। तो इसने ये आउटपुट दिखाया हमें। अब यहाँ पे हमें समझने की क्या ज़रूरत है, देखो अगर हम एक और वेरिएबल बनाए टेस्ट टू, तो पहले सेट डिटेल इसकी करते हैं, टेस्ट टू डॉट सेट डिटेल्स, इस चीज को भी कॉल करेंगे, फिर दोनों को दिखाएंगे, टू डॉट शो। तो मैंने अब इस क्लास के जो है दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक टेस्ट और दूसरा टेस्ट टू, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल्स का अपना अलग अलग डेटा होगा, अब हम वो अभी देखेंगे, क्योंकि मैंने दोनों वेरिएबल्स को शो दिखाए ताकि वो अलग अलग से डिटेल्स हमें दिखा सके, ठीक है। सो विल एग्जीक्यूट एंड रन, जैसे मुझे बोल रहा है रोल नंबर, सो मैं पहले का रोल नंबर 1001 रखूंगा, एंड नेम मैं इसका नाम रखूंगा टेस्ट, क्योंकि ये मेरा पहला है। देन फिर से रोल नंबर बोल रहा है, यानी दूसरी का मांग रहा है, तो मैं इसको 1002 एंड नेम इज टेस्ट टू। अभी मुझे दिखा रहा है इट 1001 एंड टेस्ट, देन 1002 एंड टेस्ट टू, यानी ये जो दो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे ये दो वेरिएबल्स बन गए, ठीक है।